हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं आपका दोस्त धर्मराज सिंह अपने चैनल वर्ल्ड लाइफ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं तुलसी घाट वाराणसी में। दोस्तों, यहां पर लखा मेला भी लगता है। यह परंपरा जो है 450 वर्ष पुरानी है। यहीं पर श्री कृष्ण लीला का मंचन भी होता है और नाग नथैया भी होती है। इस परंपरा की शुरुआत तुलसीदास जी द्वारा 450 वर्ष पूर्व की गई थी। आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है और मेरे चैनल से अगर अभी अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं तुलसी घाट। वर्ल्ड लाइफ लाइन में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं आया हूँ तुलसी घाट नाग नथैया देखने। चलिए हम लोग चलते हैं नाग नथैया देखने। तुलसी घाट का बहुत पुराना ये परंपरा है काशी का, जो चलता आ रहा है। मैं आपका दोस्त धर्मराज सिंह तुलसी घाट से मैं बोल रहा हूँ और जो है कि वर्ल्ड लाइफ लाइन के अंतर्गत आज हम लोग नाग नथैया देखेंगे। चलिए चलते हैं। कुछ बजे प्रारंभ है? 3 बजे प्रारंभ हो जाता है। 3 बजे? तो इस समय तो 3 बजे क्या होगा? नहीं, अभी नहीं। कितना टाइम हो रहा है? क्या मानो अभी 5 मिनट बाकी है। अच्छा, उसके बाद ये जब नागना तैयार होता है तो कब होता है? ये नागना तैयार जब 3 बजे प्रोग्राम शुरू जाएगा तो भगवान कृष्ण वो बॉल मांगेंगे उनसे, सुदामा से बॉल मांगेंगे। उसके बाद बाल यहाँ पे बॉल खेलेंगे। बाल जब यमुना जी में बाल जाएगा तो बाल को निकालने के लिए बाल लोग कृष्ण से वो करेंगे कि हमको हमारा बाल दीजिए, तो वो बाल निकालने के लिए कदम के पेड़ पे चढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, इसी पेड़ पे चढ़ेंगे? इसी पेड़ पे चढ़ेंगे। वहाँ जो कपूर कमल बना हुआ है जो नीचे जाकर कालिया नाग को दमन करेंगे। उसके बाद कालिया नाग पे सवार होकर चारों तरफ भ्रमण करेंगे और वो सामने बजरा लगा हुआ है उसमें महाराज बनारस आएंगे, काशी नरेश। अभी आएंगे वो? अभी आएंगे वो, भी 4 बजे करीब आएंगे। हाँ, तो 4 बजे, वही 4:30 बजे हो जाएगा। मनोज बहुत पुराना है, बहुत पुराना ऐतिहासिक, पूरे विश्व में एक ही जगह होता है जो साक्षात यमुना जी में कूदते हैं, लेकिन वृंदावन में भी होता है लेकिन वो बालू पे ही कूदते हैं। अच्छा, इस पर नहीं कूदते? इससे नहीं। वर्ल्ड लाइफ लाइन में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। उसका वाचन करेंगे। आप सभी दर्शनार्थियों से पूरा इस बार निवेदन है कि जिस स्थान पर विष्णुओं को बैठने और निराक्षर के बाएं तरफ जो लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप तुलसी घाट की तरफ से आ जाए। का पदार्पण हो चुका है, प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। भगवान बलताऊ कृष्ण और श्री राधा जी लीला स्थल पर प्रवेश कर चुके हैं। बार बार निवेदन है, जहाँ नियत स्थान पुरुषों का है आप पुरुष घर वहां जाके बैठे। ये सारी व्यवस्था यहाँ तरफ महिलाओं के लिए नियत व्यवस्था है, वहां महिलाएं बैठेगी। पुरुषों के लिए भी अच्छी व्यवस्था स्थान है। कहाँ बैठा?
समाधि कहा जाता है वो आप लोग विकर्वक प्रार्थना है कि अनाशीघ्र आप अपना वाचन शुरू कर ऊपर होने जा रहा है। उद्धार किया देवता दुर्गो का मध किया, लेकिन इसके बाद भगवान ने क्या किया, बोले कृष्णा हिनाओ विभु। क्या बात है, भगवान कह रहे हैं, तुम जी कह रहे हैं भगवान से क्या देखा, कृष्णा कौन है, तो यमुना जी है, यमुना जी को भूमि देखकर क्या हुआ, कृष्णा भगवान कृष्ण ने कालियनाथ को उन्होंने एक अन्य स्थान पर भेजा। रमण उन्होंने कैसे लिखा, मुझे सोलहवे अध्याय नारी करें अस्तुति बल जी करे, सुन कृपाल वैसी सकता हो वही करे। जो एक श्लोक में भगवान खुद ने परीक्षित जी को कथा है अध्याय में, जिसने क्या किया कि यमुना के दर्द में, यमुना इसके पूरे तट में कई ऐसे पूरे पूरे जगह पर अग्रद है और काम स्नान करने के आश्रम करने के पहुंचे, लीला आश्रम पर तुरंत पहुंचे, छोटे महाराज जी आपको याद कर रहे हैं, ये चौकी हटाया जाए, चादरी गरी लगा दिया जाए, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे Thank you.
पहले तो सर जितना पुलिस वाले यहाँ नीचे हुआ पता तो अपनी ड्यूटी वहाँ करे ये हम तो कहाँ खराब हो इतना पसंद जो आज ही लोग सौ मिला अपने पुलिस प्रशासन जल पुलिस प्रशासन एनडीआरएफ टीम को विगत दो वर्षों तक लगातार इस महामारी के क्रम में ही ये सुविधा को कालिया से ऊपर कृपा की लीला को अर्थात नागरकैया की लीला को सौसव संपन्न कराया है। आपको पुनः काशी की शैली में आपकी लगी हुई है लाल पट्टी पर अपनी चहल जल्दी न करें एकदम थोड़े भगवान की लीला अब उसी क्षण में शुरू होगी। भगवान भगवान की अवलोकित करने के लिए सारी काशी की जनता एकत्र हो चुकी है और धीरे धीरे एकत्र हो रही है। आपको उन्होंने क्या कहा सुखदेव जी के ही भाषा में बोले गोपालो राजरितम तस्मिन् कृतम कृतम। अरे यह तो अमृत स्वरूप है भगवान की कालिय नाम की कृपा की जो लीला है कालिय पर जो कृपा की जो लीला है यानी नाग भैया की जो लीला है वो अमृत स्वरूप है और उसके देखने मात्र से वो बार बार देखने की चीज है वो बार बार सेवन करने की चीज है और ये हरी भाषी काशीवासी जानते हैं कोरोना के काल में भी जो विगत दो वर्ष में विश्वव्यापी कोरोना था उन्होंने हमारे पुलिस प्रशासन की महती भूमिका इस लीला को आवाज गति से संचालित करने में रही उनके आरंभ हो जाएगी और आरती शुरू हो गई है। अब आरती गाने का क्रम हमारे ब्रज विलास से शुरू हो गया है। सब लोग चलो पीछे दो आगे देखने में दे रहे हो निवास सभाओं के साथ हाँ है आप यमुना जी के पुलिन पर
बहुत यीशु का सुंदर संग क्रिया करेंगे और संग क्रिया के क्रम में ही अनाज की है मालूम है। अच्छा नहीं पता कर ले कौन पता है अब अगले साल लिखू अब अगले साल धोती दुपट्टा पगड़ी भैया जो बने ये लोग कौन है? राधिका जी हैं। राधिका जी हैं, कृष्ण जी की माता हैं, सखी लोग हैं। ये राधिका जी और ये सखी लोग हैं। सखी लोग हैं और वो जो है कृष्ण जी की माता है। ये राधिका जी हैं, उनकी सखी हैं और कृष्ण जी की माता जी हैं। ये सामने यही कदम है जो मतलब यहाँ से सुबह जी कूदेंगे। परिवार के कारण भगवान नंद नंदन ने अपने बाल कथाओं के साथ अपने बाल कथाओं के साथ अपने कथाओं के साथ और पीड़ा के क्रम में उन्होंने अद्भुत पीड़ा का संपादन किया। आइए भगवान पीड़ा का सुख संप्रदाय के अनुरूप जो है उससे हम लोग भैया विजय बहादुर सिंह उपस्थित हैं। आप इस लीला के आदि संचालक के ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने इस लीला को सही वर्षों पर किनारे देर किनारे से हो रहा है। स्टार्ट नहीं होगा यहाँ तो स्टार्ट नहीं होगा बिना उनके अपने राजा का स्वागत करें। हारा हारा हारे बोल वृंदावन हारे लाल की जय। हमारे दिलीप जी जो है नागरिक सेवा नागरिक सुरक्षा के हैं वो क्यों का नागरिक सुरक्षा को हार्दिक अभिनंदन करता है और समाज सेवा सोसाइटी के नेतृत्व में श्री संतोष मिश्रा जी का पूरी टीम जो है शैली से गठबड़ कर रही है। हम अपने समस्त सिविल पुलिस साथियों का दिल से अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी मुस्तैदी के साथ बनाया हुआ है और साथ ही हम अपने जिला चुनाव समिति के पदाधिकारियों का आदि अभिनंदन है। तुरंत संवाद हो रहा है दर्श का काशी गणेश का पदार्पण हो चुका है। अब वो संध्या बंदन के लिए बगड़े में उपस्थित हो चुके हैं।
ये लाल पट्टी के खाली करके बलवान की कंदुक क्रीड़ा यही होनी है। आप लोग वहां की में इकट्ठा करें। हमारे महाराजा श्री के बैठने के बाद आप लोग लाल को खाली कर दें। थोड़ा ऊपर आ गया और अच्छा और अच्छा दीजिए नहीं आ रहा है ऊपर वाले को जाऊंगा और अच्छा भी होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। भगवान कृष्ण ने संदूक क्रीड़ा अपने बाल कथाओं श्रीदामा सुमंगल बिल्व मंगल के साथ करेंगे और उनकी अद्भुत कथा और कंदुक क्रीड़ा के साथ जब खेलते खेलते यमुना जी ने कंदुक चली जाएगी तो उनके बाल कथाओं के मनोहार से उनके हट से भगवान उस काले हृदय में उस बाल कथाओं के कंदुक को लेने के लिए जाएंगे। इनको बैठाने की व्यवस्था करें। भगवान की कंदुक क्रीड़ा शुरू हो गई है, कृपया वहां भीड़ इकट्ठी मत करें। भगवान कृष्णनंदन अपने बाल कथाओं के साथ कंदुक क्रीड़ा करने के लिए
बाहर से जो भी नावें आ रही हैं, जब पुलिस की सहायता से आप हमारे दाहिने तरफ आने, एक तरफ ना क्लस्टरी करें, एक तरह एकत्रित ना करें, एक जगह अपनी नावें मत रखें। आप लोग के पास दाहिने तरफ बहुत जगह है, आप दाहिने की तरफ आ जाएं। हमारे गंगा पुत्र, हाँ, जो सीमा की बैरिकेटिंग हुई है, आप वहां से कोई भी नाम नहीं लेके आएंगे। आप उस स्थान को अतिक्रमित नहीं करेंगे। वहां से आप जहां वो लगती रहती है, रस्सी के पीछे ही आप रहेंगे। आप दाहिनी तरफ अपनी नाव को लेकर आवे, गंगा पुत्र नारी का उनसे सर्वत्र प्रार्थना है कि अपनी नाव संस्थाओं के जो भी हुआ लेकिन जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, वह विशेष रूप से निगरानी बनाए रहे, क्योंकि अपने प्वाइंटों पर अनावश्यक रूप से भीड़ उधर उधर न भागने पाए। साथ ही मैं अपने कल पुलिस साथियों का एवं जो गंगा वो जितने भी नाव है, वो कोशिश करें कि वो काफी मात्रा में पर्याप्त जगह जब खाली है, वो अनावश्यक रूप से एक ही जगह पर भीड़ न लगाए। हमारे गंगा पुत्र नागरिक जो भी है वो मैं पुनः सर्वोत्तम प्रार्थना करता हूँ आप सभी दर्शनार्थियों से, जो लाल मट्टी पर खड़े हैं, आप यथाशीघ्र लाल मट्टी खाली करें। हमारे जो कार्यकर्ता है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवान वहाँ शुरुआत हो चुकी है, भगवान वहाँ बंधु क्रीड़ा कर रहे हैं और करने वाले अपने बाल सभाओं के साथ करना शुरू कर दिए हैं। इस स्थान को आप तुरंत खाली कर दें। परीक्षित जी के इस प्रश्न के पूछने पर, ये हो महाराज साल साल दह है अनार, इस गिर गाड़ो तारिणी के विस्तारिये, ताको बहु दिन बसे ली देव सौर लसे, जय तो शांत भयो तीर तान शांत आसन सोन विष्णु, ताको हिंदु दारी कौन हारिये। आप लाल पट्टी तुरंत खाली करें। सभी दर्शनार्थियों से, श्रद्धालुओं से सर्वत्र प्रार्थना है कि कृपया नीला स्थल के लाल पट्टी को आप खाली करें, प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सकुशल नीला हम लोग देख सके। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ मधुर मधुर बंदूक क्रीड़ा करना शुरू कर चुके हैं। आप लोग सत्यचित्त होकर इस बंदूक क्रीड़ा खेला का अवलोकन करें और बड़े प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, और जोर से वृंदावन बिहारी लाल की। धक्का को लग जाएगा। मैं जल पुलिस के कार्मिकों से, सहयोगियों से सर्वत्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो पीपा पे लगा रस्सी है वो भीगी हो रही है। अरे सब लोग ना करें महाराज, आप नीचे ले जाएं। अरे आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, धक्का लगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए।
बैठ के रिकॉर्डिंग है, बैठ जाइए, कम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी थोड़ा सा अंदर होइए, आप देखिएगा आप उधर बैठे देखिए, अभी तो आएंगे जाएंगे अपने नाम को लेते आवे उनसे बोलो पीछे सभी प्रार्थना है कि अपने नाम को लेते आप प्रशासन का समुचित सहयोग करें। बहुत समय है भगवान के इस बरोहारी विवाह का अवलोकन करने के लिए, एक पानी में चलेगा कंदुक पानी में चल आया। समुचित लाभ ले अपने बजरे को दाहिनी तरफ ले आवे, भगवान का संतुक वाल सखाओ बाल सखाओ का संतुक यमुना जी में आ गया है। यमुना जी में अब भगवान प्रतिष्ठाओं में अपने बाल सखाओं के हस लीला को पूर्ण करने के क्रम में यमुना जी ने और काली हस के ऊपर कृपा करने के क्रम में इस काली हस में कूदेंगे। आप सभी श्रद्धालु जनों से सर्वत्र प्रार्थना है कि भगवान की लीला को बड़े श्रद्धा के साथ अवलोकित करें। पुनः एक बार बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी कुछ ही क्षणों में यमुना जी में कूद जाएंगे। भगवान की इस सुमनोहर काशी का दर्शन करने के लिए पूरा काशी एकत्रित हो चुका है। ये पूरा श्रेय हमारे जल पुलिस के कार्मिक, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों, तमाम स्वयं सहायता और अपने एनजीओ कई कई स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ये लीला महाराज श्री का पदार्पण हो चुका। लीला सब पर हम लोग काशीवासी Oh!
निमित्त भगवान इस नाग नथैया की लीला आज के तिथि पर कर रहे हैं। हम सभी बड़े ही इस कलिकाल भोर कलिकाल में अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस लीला का इस अपने आंखों का पुनः उनका अभिवादन हम लोग भगवान धीरे धीरे मंत्र गति से अपने बाल कथाओं की मांग बात को मानते हुए बाल कथाएं करते धुनी से भगवान को मनाते हुए और कह रहे एक भैया आप जल्दी जाओ हमारे गेंद को ले आओ। और भगवान उनकी बात का अनुसरण करते हुए उनकी बात को मानते हुए बहुत धीरे धीरे कदम के वृक्ष पर उनके डाली पर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। इस लीला का अवलोकन हम सब कर रहे हैं। पूरा एक बार हम लोग अपने काशी नरेश का अभिवादन अब हमारे अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के महंत श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पैरों पर अपने माथे पर रखेंगे, उनका बस प्रक्षालन करेंगे। और भगवान अब भगवान कदम की डाल पर मंत्र करेंगे। Thank you.
ब्रजेश अब आप पहुंचाओ तुलसी घाट वाराणसी का नागनथिया मेला और साथ साथ कृष्ण लीला देखकर तो मैं द्वापर युग में आ गया हूँ दोस्तों। आशा है दोस्तों श्री कृष्ण का बाल लीला देखकर आपके अंदर भी भक्ति की भावना उमड़ गई होगी और यह वीडियो देखकर आपको भी बहुत आनंद आया होगा। इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।